हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी और उसमें कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो डबल बेंच नहीं जाएगी और जो भर्ती है वो 40-45 कट ऑफ पे ही करने जा रही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी कुछ अटपटा लगा, क्योंकि जो हमने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी उसमें साफ साफ ये हमारा कहा जा रहा था कि जो चुनाव के बाद जो भर्ती होंगी वो 40-45 कट ऑफ पे होगी। और जहां यहां पे अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो डबल बेंच जाएगी, तो इस खबर का यहां पे पूरी तरीके से खंडन होता हुआ नज़र आया इस अखबार की कटिंग देखने के बाद। तो हम इस वीडियो में पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा सच। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा सच आपके सामने लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम अपने चैनल पे आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे यहाँ पे बधाइयाँ भी दी जाने लगी हैं कि सरकार जो है डबल बेंच नहीं जाएगी, और इसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। और यहाँ पे देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो हमने इसी की जाँच करी है, लेकिन इससे पहले हम ये पूरी खबर पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अब चुनाव बाद मिल सकेंगी नियुक्तियाँ। और इसके मुताबिक आप देखिए क्या लिखा है, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर निर्धारित ऑफ के आधार पर परिणाम जारी करने का निर्णय विभाग जल्द करेगा। चयनित अभ्यर्थियों को जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकेगी। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी खबर। अब हम इसकी पूरी सच्चाई देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी खबर है ये हमारी 30 मार्च 2019 की ये अखबार से ली गई है। और इसमें एक छोटा सा यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग का एक छोटा सा पार्ट उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो खबर है ये पुरानी खबर हो चुकी है, और इसका यहाँ पे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी खबर पुरानी है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और यहाँ पे कुछ भी उस समय तक नहीं कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो डबल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है आधी सच न्यूज़ है, क्योंकि इस जब तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा था कि वो डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। और ये जो अधिकारियों का जो स्टेटमेंट है ये जो पुराना स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये 30 मार्च का है, और जो सरकार ने हमारा वक्तव्य दिया था आपको भी ध्यान होगा तो वो शायद 31 मार्च के आसपास का था। तब तक सरकार ने जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब जो है सरकार ने अपना स्टैंड जो है क्लियर कर दिया है कि वो डबल बेंच में जाएगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने वाली बात यह है कि सरकार अभी तक जो है वो डबल बेंच में जाने का निर्णय क्यों नहीं कर पाई है। हो सकता है चुनाव को देखते हुए इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा हो, क्योंकि सरकार को पता है अगर वो डबल बेंच में जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा वोटों का भी नुकसान हो सकता है। तो शायद ये भी सरकार की मंशा हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे भी कोई खबर आती है हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, सीटेट या यूपीटेट से जुड़ी कोई भी खबर हो, वो हम आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी पूरी सच्चाई सामने आ गई होगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।